Thank you so much, Guruji, once again for giving me this opportunity. Sangat ji, जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट की मैं इसलिए बात करना चाहूंगा बिकॉज शब्द जो थे they are वेरी डियर टू गुरु महाराज एंड उसके थ्रू ही गुरु महाराज हमें ब्लेस भी करते हैं और हमें सीख भी देते हैं. एंड साथ संगत जी, जो प्लेलिस्ट का जैसे आंटी ने भी पहले बताया, तो वो 1 hour 15 minutes की प्लेलिस्ट जो बनाई थी वो भी गुरु महाराज की आज्ञा से ही बनी थी. एंड उससे पहले जो दुख भंजनी साहब का पार्ट इस प्लेटफॉर्म पे चलता है उसके लिए भी मैंने एक फॉरवर्ड किया था आंटी. बट आज मेरे को जब मैं सो रहा था, बिकॉज आई हैड डन माय नाइट शिफ्ट एंड व्हेन आई केम बैक इन द मॉर्निंग आई वाज स्लीपिंग, और उसके बाद अभी सत्संग शुरू हुआ है, तो मेरे को ड्रीम में ही गुरु महाराज ने दुख भंजनी साहब का पार्ट सुनाया. इट वॉज प्लेइंग एंड इट वॉज द सेम रागी एंड द सेम ट्यून जो आंटी हर रोज प्ले करते. तो देखिए इसके अंदर जो है मैं क्या चाह रहा हूं या कोई क्या चाह रहा है वो नहीं होता, जो गुरु महाराज चाह रहे हैं वो होता है. और कैसे गुरु महाराज ने किस शब्द के थ्रू, किस रागी के थ्रू, किस राग के थ्रू हमें ब्लेस करना है, इट इज ऑल एट हिज डिस्पोजल. सो साथ संगत जी, जो फर्स्ट शब्द गुरु महाराज ने आज की प्लेलिस्ट में लगाया, दैट वाज इकोनाम ते आए मन मेरे. एंड साथ संगत जी, ये इतना प्ले होता था गुरु महाराज की प्रेजेंस में एम्पायर स्टेट में कि ऑलमोस्ट एवरी डे दिस वाज वन ऑफ द शब्द विच यूज्ड टू बी प्लेड देयर. और ये जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तब हम उसी जगह गुरु महाराज के समक्ष पहुंच जाते हैं. एंड कितना ब्यूटिफुली गुरु महाराज इसमें हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इको नाम ते आए मन मेरे, कारज तेरा होवे पूरा, हर 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 गुण गाए मन. साथ संगत जी, यही उपदेश गुरु महाराज ने भी हमें दिया है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम करूं. संगत जी, अगर हम गुरु महाराज को हर समय ध्याएंगे, उनको याद रखेंगे, उनका नाम जपेंगे, तो गुरु महाराज हर समय हमारे साथ, वो हमेशा हमारे साथ हैं. पर जब हम उन्हें ध्याते हैं या उनका नाम याद रखते हैं तो उनकी प्रेजेंस हमें थी. साथ संगत जी, उसके बाद जो सेकेंड शब्द गुरु महाराज ने लगाया, दैट वाज जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाप. एंड संगत जी, दिस इज सो ट्रू कि गुरु महाराज की शरण में जब हम होते हैं तो हमें दुखों का पता ही नहीं चलता, और जब दुख आते भी हैं बिकॉज वी आर इन हिज चरण शरण, तो हमें उन दुखों का एहसास नहीं. यस, टाइम लगता है इन सब चीजों में, बिकॉज जैसे जैसे हम गुरु महाराज के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताते हैं, जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा सत्संग अटेंड करते हैं, शब्द सुनते हैं, पाठ करते हैं, तो गुरु महाराज ही हमें स्ट्रेंथ देते हैं कि दुख आने पर भी हम विचलित ना. साथ संगत जी, इसी शब्द के अंदर एक लाइन है, ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना, सार ना जाना थे. साथ संगत जी, इसी के ऊपर गुरु महाराज मेरे को ड्रीम में आए, आई थिंक इट वाज दिस ईयर बिगनिंग, और गुरु महाराज अपने एम्पायर स्टेट के आसन पे बैठे हुए थे और आई वाज ऑन हिज राइट हैंड साइड, और गुरु महाराज मुझे कहते हैं, गुंजन सत्संग शेयर करो. एंड द सेकेंड थिंग व्हाट ही सेड वाज, कोशिश करो. एंड द थर्ड थिंग व्हाट ही सेड वाज, शास्त्र में ये है, शास्त्र में वो है, मत करो. तो साथ संगत जी, आई थिंक जो थर्ड लाइन गुरु महाराज ने बोली उसको ये वाणी की लाइन बिल्कुल ठीक तरीके से एक्सप्लेन करती है कि ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना, सार ना जाना थी. तो शास्त्र हो, वेद हो, पुराण हो, वाणी या हमारा कोई भी ध्यान या कर्म या पाठ या पूजा, वो जो है वो गुरु महाराज का बखान नहीं कर सकते, गुरु महाराज के बारे में हमें पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें भी हम ना पढ़ें और अपने आप को इतना भी इसमें ना
कर लें कि हम बाकी चीजों को भूलकर सिर्फ इसमें ही लग जाएं। बिकॉज गुरु महाराज ने बोला है, जितना जरूरी पाठ करना, सत्संग में जाना, नाम ध्याना है, उतना ही जरूरी अपने परिवार का ख्याल रखना भी है और अपने परिवार वालों के साथ अच्छे संबंध रखना भी। एंड सेम गोज कि आप अपने नेबर्स के साथ भी अच्छे संबंध रखें एंड ऑफिस में, वर्ल्ड एट लार्ज में आप अपने जो संबंध है वो अच्छे रखें। सो इट इज नॉट ओनली टुवर्ड्स गॉड दैट वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज वर्ल्ड एट लार्ज, आवर नेबरहुड, आवर फैमिली, आवर वर्क प्लेस, टुवर्ड्स दैट ऑल्सो वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सात संगत जी, जो थर्ड शब्द गुरु महाराज ने लगवाया, एंड सुन मन गाफिल कि कह के आया कि कर्म ने तेरे, मैं अमृत वेले गुरबानी गासा, सत्संगत बै के हर नाम ध्यासा, तू भूल गयो वादे पे गयो अंधेरे। सत्संगत जी, ये वो शब्द है जो एम्पायर स्टेट में बचता था, बट हमने ये शब्द के बारे में काफी बार बड़े मंदिर में भी जो प्लेलिस्ट बनाते हैं और भी संगत से पूछा, बट किसी को भी ये शब्द याद। एंड दिस इज वन ऑफ द शब्द विच इज यू नो एक्चुअली मेरी मदर का फेवरेट शब्द है ये, और उनको खुद नहीं याद आ रहा था कि एम्पायर स्टेट में गुरु जी बार बार कौन सा वो शब्द था जो मुझे बहुत प्रिय है, बट उनको नहीं याद आ रहा था। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट फोर टू फाइव ईयर्स बैक गुरु महाराज ने ही फिर ये शब्द याद दिलवाया, एंड नाउ वी हैव इट इन द प्लेलिस्ट। तो संगत जी, इसके अंदर भी गुरु महाराज कितने प्यार से हमको ये समझा रहे हैं कि जब हम माता के गर्भ में थे तब हम ये कह रहे थे गुरु महाराज को कि जब मैं इस जीवन में आऊंगा तो आपका नाम ध्याऊं, पर जब हम इस जीवन में आए तो हम माया में ही फंस कर रह गए और गुरु महाराज को कहीं ना कहीं हम भूल गए। एंड संगत जी, हम सब ये कहते भी हैं, सोचते भी हैं कि गुरु महाराज पार ब्रह्म परमेश्वर है, एंड अगर हमें वो फिजिकल फॉर्म में मिल जाते तो कितना अच्छा होता। वेल, जिनको गुरु महाराज फिजिकल फॉर्म में मिले या अब भी, हम सबको पता है कि गुरु महाराज निरंकार है, ईश्वर है, पर क्या उस टाइप का हम टाइम या समय गुरु महाराज को दे पाते हैं? क्या हम उनको हर समय ध्या पाते हैं? वेल, अगेन उनकी बख्शीश होगी तो जरूर होगा, एंड उनकी बख्शीश होगी तो हम 100% अपना समय भी और विचार भी गुरु महाराज में भी लगा सकेंगे एंड 100% अपना टाइम जो है अपने परिवार को भी दे सकेंगे, एंड गुरु महाराज की प्रेजेंस में ही हम 200% अपनी लाइफ जी सकेंगे। साथ संगत जी, द वेरी नेक्स्ट शब्द विच वॉज अपने सेवक को कभू ना विसार, और लागो स्वामी प्रभु मेरे पूरब प्रीत गोविंद विसार। गुरु महाराज अपने सेवक को कभी नहीं छोड़, वो हमारी ही मनोस्थिति होती है कि हम गुरु महाराज को दुख के समय बहुत दूर समझते हैं और सुख के समय बहुत करीब समझते हैं। वेल, गुरु महाराज हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, एंड यही रिक्वेस्ट गुरु महाराज को इस शब्द में की है कि हे प्रभु, मेरे गले लग जाओ, और ये पूरब प्रीत है गोविंद की। अर्थात जैसे गुरु महाराज ने बोला कि जब 7 जन्मों तक तुम सच्ची भक्ति और सच्चे गुरु, सतगुरु की आस लेकर तप करते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो, तब जाकर मैं तुम्हें 7वें जन्म में मिलता हूं। तो सात संगत जी, ये आप सबकी ही मेहनत और आप सबके ही पूजा पाठ का फल है कि गुरु महाराज ने आपको इस जन्म में अपना शिष्य स्वीकार किया, विच अगेन इज अ वेरी वेरी बिग। सात संगत जी, द लास्ट शब्द वॉज मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना, हम मूरख मुख शरणार्थी, हर कृपा मिले हर सो। वेरी क्लियरली इट सेज कि हम मूरख हैं एंड हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम गुरु महाराज को समझ सके या उनकी शरण में भी रहने के लायक हम नहीं है, बट ये उनकी ही कृपा है कि उन्होंने हमें अपने पास रखा भी हुआ है और वो अपना नाम भी जप। एंड देन फाइनली इट इज मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना, कि तेरे बिना गुरु जी ना मेरा कोई है और तेरे बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। साथ संगत जी, आई वुड लाइक टू थैंक गुरु महाराज फॉर सच अ ब्यूटीफुल एंड लवली प्लेलिस्ट, एंड ऑल दी शब्द्स वर प्लेड इन एम्पायर स्टेट इन गुरु महाराज प्रेजेंस, बट जहां तक
मुझे लगता है कि जो आजकल भी अगर कोई शब्द बचता है तो वो भी गुरु महाराज की ही मेहर से बचता है। एंड जैसे गुरु महाराज ने आज दुखभंजनी साहब का ही दिखाया कि जो दुखभंजनी साहब का पार्ट मैंने भेजा था वो नहीं प्ले हुआ, जो आंटी रोज प्ले करते हैं वही प्ले हुआ, और वो मुझे ड्रीम में गुरु महाराज ने दिखा भी। सो इट इज हिज ब्लेसिंग क्या प्लेलिस्ट बजनी है, कौन से शब्द। साथ संगत जी, क्योंकि आज पावन दिन है शिवरात्रि का, सावन की शिवरात्रि, सो मैं गुरु महाराज की कृपा के बारे में बताना चाहूंगा कि कैसे गुरु महाराज जो है वो स्पेशल ओकेजन्स सेलिब्रेट करवाते हैं, एंड कैसे गुरु महाराज ने जो है लास्ट मंथ अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करवाया, और उसके अंदर गुरु महाराज ने पहले ही अपना दरबार जो है वो दिखा दिया था, एंड उसके अकॉर्डिंग ही गुरु महाराज का हमने यहाँ पे दरबार से। एंड सात संगत जी, देखो 29 जून को अमृत वेले हमारे घर में गुरु महाराज ने, मॉर्निंग में वो अमृत वेला करवाते हैं, इवनिंग में संध्या वेला करवाते हैं। तो सात संगत जी, जब हम मॉर्निंग में अमृत वेले सत्संग में बैठे हुए थे, तब गुरु महाराज ने मुझे 29 जून को उन्होंने मुझे सत्संग में दिखाया साग और मक्की की रोटी। एंड यू नो आई वाज क्वाइट परप्लेक्स्ड कि दैट्स नॉट पॉसिबल, इट इज मिडिल ऑफ द समर, एंड समर में तो ये चीजें होती ही नहीं। सो आई नेवर गिव इट अ थॉट आल्सो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता, सो ये लंगर में नहीं बन सकता। एंड संगत जी, द वेरी सेम डे आई हैड अ फ्लाइट ड्यूटी टू ले, और जब मैं ले में गया एंड मॉर्निंग फ्लाइट से मैं गया था एंड लास्ट फ्लाइट से आई हैड टू कम बैक, सो उसके बीच में मैं थोड़ी सी देर के लिए जब एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहां पे ही देयर इज अ स्मॉल मार्केट, और उस मार्केट में मैंने देखा कि वहां पे साग था। वेल दिल्ली में उस टाइम पे साग नहीं था, एंड आई थिंक ऑल ओवर इंडिया मंथ ऑफ जून यू कैन नॉट गेट साग, बट गुरु महाराज ने मुझे उसी दिन ले पहुंचाया और वहां से फिर मैं साग लेकर आया। जब साग खरीद रहा था तब भी मुझे ये नहीं याद में आया कि गुरु महाराज ने आज ही दिखाया, एंड लेटर ऑन आई रियलाइज कि गुरु महाराज जो दिखाते हैं वो करवा भी खुद ही देते। संगत जी, नाउ द स्ट्रगल बिगेन। मक्की की रोटी के लिए हमें आटा जो है हमने अपने मार्केट में पूछा नहीं, हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद भी वो नहीं आया, एंड हमारे घर हमारे बुआ जी आए हुए थे, शी वॉज ऑल्सो अटेंडिंग द सत्संग, एंड शी सेड कि मेरे घर में मक्की का आटा है, सो जब मेरे बच्चे आएंगे तो वो लेते आएंगे। एंड संगत जी, फाइनली दे केम ऑन 6 जुलाई, एंड गुरु महाराज ने फिर 6 जुलाई अपने बर्थडे ईव पर वो मक्की की रोटी और सरसों का साग का लंगर बनवाया, उसको भोग लगाया और हमें अपना शीत शीत प्रसाद चखा। तो संगत जी, गुरु महाराज जो दिखाते हैं बताते हैं वो हमारे सेंसेस में ना आ सकता है ना हमें समझ में आता, बस अगर हम थोड़ा सा उसको करने की कोशिश करें तो गुरु महाराज बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से वो सब चीजें पूरी करवा। संगत जी, द वेरी नेक्स्ट डे इट वॉज 7 जुलाई, एंड गुरु महाराज ने जैसे दरबार दिखाया था वो दरबार की सेटिंग गुरु महाराज ने दिखाई कि एक आंटी ने उस दरबार का स्केच बनाया है, एंड फिर उन आंटी को मैंने रिक्वेस्ट की कि आंटी गुरु महाराज ने दिखाया है तो आप प्लीज क्या यहाँ दरबार का आप स्केच बना के भेज सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग दरबार सेट कर ले। एंड साथ संगत जी, उस ड्रीम में गुरु महाराज ने ये भी दिखाया था कि जो स्केच उन आंटी ने बनाकर भेजा है हम ऑलरेडी उस दरबार सेम दरबार हम सेट कर चुके हैं, एंड उस टाइम पे बंटी अंकल भी वहां पे। सो संगत जी, वही हुआ, जो आंटी ने स्केच बनाकर भेजा वो हमने उसी तरीके से दरबार सेट किया, एंड उस सत्संग के लिए बंटी अंकल को भी बुलाया, और बहुत ही खूबसूरत उस दिन सात संगत जी संगत हुआ। गुरु महाराज के तो सारे ही सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड एक दो और मैं सेलिब्रेशंस की बात करूंगा, बिकॉज आज इतना पावन दिन है, इट इज अ सेलिब्रेटरी डे,
संग जी, मेरी मदर का बर्थडे जो है वो 6 जून को होता है, एंड अमृत वेला गुरु महाराज ने उस दिन बख्शा। और हम एक दिन पहले ये सोच रहे थे कि हम संध्या वेला में 6 जून को हम साउथ इंडियन लंगर बनाएंगे, बट अगेन गुरु महाराज ने एक संगत को दिखाया कि हमारे घर सत्संग हो रहा है और उसमें राजमा चावल बने हैं और गुरु जी रेड चोले में आए। संगत जी, उसके बाद हमने अकॉर्डिंगली दरबार में करेक्शंस किए लाल चोले के हिसाब से, एंड फिर शाम का जो लंगर प्रसाद था वो राजमा चावल। बट सत्संग यही नहीं खत्म, आफ्टरनून केस में भी गुरु महाराज ने उस दिन सत्संग कराया। और वो कैसे कराया, अराउंड 10 o'clock हमारी बेल बजी और हमारे पास बिग बास्केट से कुरियर आया और उसके अंदर इडली एंड डोसा बैटर था एंड मालाबार पराठे। एंड संगत जी, ना हमने वो ऑर्डर किया था और जो हमें डिलीवरी हुई वो डिलीवरी किसने की थी वो भी हमें आज तक नहीं पता चला है। और जब हमने एक संगत से पूछा कि आंटी, आपने पहले एक बार बिग बास्केट से भेजा था तो क्या ये आपने भेजा है, तब उन संगत ने बोला कि अरे आंटी, आप ये क्या सोच रहे हो, ये तो गुरु महाराज ने खुद भेजा। संगत जी देखिए, जो हमने सोचा वो भी गुरु महाराज ने पूरा किया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देके कि उन्होंने वो बैटर, साउथ इंडियन इडली एंड डोसे का बैटर भी भेजा, मालाबार पराठे भी भेजे, एंड फिर हम लोगों ने आफ्टरनून में भी गुरु महाराज का सत्संग किया और उसके अंदर साउथ इंडियन। सो ये कौन कर सकता है साथ संगत जी, ही सो लविंग, ही सो केयरिंग। आपके मन में जो चीज होगी वो भी वो पूर्ण करेंगे और जो चीज होनी चाहिए वो भी वो आपसे करवाएंगे। साथ संगत जी, अगेन आई वुड लाइक टू शेयर, 19 जून को मेरी मदर एंड फादर का मैरिज एनिवर्सरी थी, एंड उस दिन जो है मुझे अमृत वेले में मेरे बेटे ने आके जब पूछा तो मुझे याद आया कि अच्छा हाँ, आज पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में, अपने शेड्यूल में, दैट वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। एंड संगत जी, उस दिन गुरु महाराज हमें लंच के लिए बाहर लेकर गए एंड वहां पे भी हमें साथ संगत। एंड जो शाम को संध्या वेला सत्संग हुआ उसके लिए गुरु महाराज ने उसी दिन दरबार जो है वो सेट करवाया और गोल्डन चोला उन्होंने लगवाया। संगत जी, गोल्डन चोला भी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने मुझे दिखाया था और वही गोल्डन चोला मुझे याद नहीं था, बट गुरु महाराज ने अपने आप वो गोल्डन चोला लगवाया। एंड उसके बाद मेरे पास एक अंकल का फोन आया, अरुण अंकल का, और उन्होंने पूछा कि गुंजन, आपके यहाँ आज शाम को सत्संग है, मैं आ सकता हूँ? सो आई सेड व्हाई नॉट अंकल। और मेरे बेटे को ड्रीम में गुरु महाराज ने एक फैमिली दिखाई कि वो लोग हमारे घर आ रहे हैं। संगत जी, उनको भी हमने इनवाइट किया उस दिन शाम। संगत जी, आप ये देखिए कि गुरु महाराज का जो संग सत्संग होता है उसमें कौन सा चोला होगा वो गुरु महाराज डिसाइड करते हैं, डेकोरेशन कैसे होगी वो गुरु महाराज डिसाइड करते हैं, लंगर क्या बनेगा वो गुरु महाराज डिसाइड करते हैं, संगत कौन आएगी वो गुरु महाराज डिसाइड करते हैं, शब्द कौन से प्ले होंगे वो गुरु महाराज डिसाइड करते हैं। सात संगत जी, इट इज ऑल हिज प्ले, ये उनकी ही लीला है कि उन्होंने हमें इतना इतना ब्लेस किया है और इतने इतने तरीकों से ब्लेस करते, अपनी ही सेवा करवा के, और वो भी इस तरीके से कि हमें पता भी ना लगे। हम हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि गुरु जी ने ये दिखाया है तो ऐसे करना है, वो दिखाया है तो ऐसे करना, बट कई बार हम वो ना करके अपने मन की भी कर लेते हैं। एंड आई थिंक दैट इज द टेस्ट जो गुरु महाराज हमारा लेते हैं, क्या तुम्हें अब तक वो ईगो है कि क्या तुम मेरी कही हुई बातें मान रहे हो या अपने मन की बातें कर रहे हो। साध संगत जी, मैं अब आपसे वो सत्संग शेयर करना चाहूंगा जो वेल आई थिंक ये वाला सत्संग मैं लास्ट में आपसे शेयर करता हूँ। संगत जी, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर द सत्संग जब गुरु महाराज से हम फर्स्ट टाइम फिजिकल फॉर्म में मिले 2004 में, एंड गुरु महाराज के दर्शन हुए। और उस दिन जब फर्स्ट टाइम मेरी मदर गुरु महाराज के पास एम्पायर स्टेट गए तो उनको इतना अच्छा लगा
एंड अनायास ही उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बट साथ संगत जी, जैसे आपको पता है कि किसी भी संगत के आंसू गुरु महाराज जो है वो जमीन पर गिरने नहीं देते, वो अपने झोली में या अपने हाथ में उन आंसुओं को समेट लेते हैं और उनको मूर्ति बनाकर अपने पास रखते। सात संगत जी, ऐसा ही कुछ गुरु महाराज ने उस दिन किया। संगत जी, जब मेरी मदर वापस आए तो रात में ड्रीम में गुरु महाराज ने उनको दर्शन दिए एंड ही सेड, हुन फिकर ना कर, गुंजन दा भी ठीक हो जाएगा ते बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। सात संगत जी, ना मेरी मदर की गुरु महाराज से कोई बात हुई, ना मेरी मदर को किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, ना ही उनको ये पता था कि मेरा नाम गुंजन है या हमारे घर में क्या प्रॉब्लम्स है। वेल नाउ वी नो दैट गुरु महाराज इज जानी जान, इस तरह का उनको सब कुछ पता होता है, बट उस टाइम हमें ये नहीं पता था। और मेरी मदर को भी ये नहीं समझ में आया कि गुरु महाराज कैसे मेरे ड्रीम में आए। उनको ये लगा कि मैं आज वहां गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा, तो जरूर गुरु महाराज के बारे में मैं सोच रही थी, इसलिए गुरु जी मेरे ड्रीम में आए। बट नो संगत जी, व्हेन गुरु महाराज कम्स इन आवर ड्रीम, इट इज हिज दर्शन। और गुरु महाराज उस टाइम आपके साथ, आपके पास होते हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, जैसे गुरु महाराज के कहे हुए वचन जो है वो पत्थर की लकीर, वैसा ही हुआ। Within 2 to 3 days, I was doing a job, but they were not paying me. So within 2 to 3 days after going to Guruji Maharaj, मेरी job लग गई। And Sangat ji, हमारा एक court case चल रहा था जो within 15 days resolve हो गया। And Sangat ji, my mother was diagnosed with cancer second time around. And जब हम उनके चेकअप्स के लिए कंटिन्यूसली जा रहे थे एंड आफ्टर गोइंग टू गुरुजी इन द 6th month, मेरी मदर एम्स में थे एंड वहां पे एम्स के डॉक्टर ने मेरी मदर को बुलाया अंदर और उन्होंने बोला कि पहले तो हमें आपका ट्यूमर दिखाई दे रहा था बट अब हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप जाइए ऐश कीजिए। सात संगत जी, हमें तब ये भी नहीं पता था कि ये गुरु महाराज के ही वर्ड्स। संगत जी, आज हमें ये पता है कि गुरु महाराज कहते थे कि जा ऐश कर। तो संगत जी, उस समय डॉक्टर के रूप में गुरु महाराज ही वहां बैठे और उन्होंने कैंसर भी ठीक किया और ये भी कहा कि जा ऐश कर। थैंक यू सो मच गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। साथ संगत जी, अभी रिसेंटली गुरु महाराज मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे बोला, मैं 2000 मिलिया से। सो जैसे 2004 में हम सोचते हैं कि गुरु महाराज हमें मिले, वेल दैट इज ट्रू कि गुरु महाराज ने 2004 में हमें दर्शन दिए, बट गुरु महाराज ने ही फिर बताया कि 2000 मैं मिलिया से। एंड हम गुरु जी से कब से जुड़े हुए हैं हमें नहीं पता। सो संगत जी, ये जो जन्म हमें गुरु महाराज ने दिया है और यह जो हमारे घर में बच्चे आ रहे हैं, ये भी गुरु महाराज ही भेजे, तो हम सब गुरु महाराज की ही संगत है। एंड वंस वी विल डाई, तब भी हम गुरु महाराज की ही चरण चरण में जाएंगे और तब भी ऐसे ही हम गुरु महाराज के सत्संग अटेंड करेंगे। वेल दे से कि जो आप यहाँ फिजिकल फॉर्म में इस धरती पर करते हैं, आफ्टर योर डेथ ऑल्सो आप जब उस लोक में जाते हैं तब आप वहां पे भी वही सब काम करते हैं जो आप यहाँ करते हैं। तो संगत जी, जितना आप गुरु महाराज से यहाँ जुड़ेंगे उसी प्रकार आप वहां पर भी गुरु महाराज से जुड़े रहे। संगत जी, मेरी मदर को काफी हेल्थ इश्यूज थे। शी हैड अ माइग्रेन इश्यू, शी हैड अ स्लिप डिस्क, osteoporosis, low BP, stomach issues, cancer patient, once a cancer patient, always a cancer patient, so she is a cancer patient. And जब 2005 में संगत जी winters थे और मेरी mother जो है उनकी winters में कमर झुक जाती थी और वो फिर झुकी हुई कमर से ही चलते थे,
एंड मैंने मेरी मदर को पूछा कि मम्मी मैं आज शाम को गुरु जी के पास जा रहा हूँ तो क्या आप चलोगे, बिकॉज आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है। एंड देन शी सेड कि अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरु जी के पास क्यों नहीं जा सकती। एंड इन दैट कंडीशन ओनली हम लोग गुरु महाराज के पास गए। और जैसे ही एम्पायर स्टेट के मेन गेट पे, एमजी रोड पे मेन गेट पे हम लोग पहुंचे, वहां गुरु महाराज की इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी कि ऐसे लग रहा था कि हम गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस में नहा गए। एंड संगत जी, उस टाइम ये एहसास हुआ कि देखिए कि गुरु महाराज कैसे अपनी संगत को मेन गेट तक लेने के लिए आए। एंड संगत जी, जैसे ही हम लोगों ने एम्पायर स्टेट में एंटर किया, गुरु महाराज जमीन पर ही पिलर की सपोर्ट से बैठे हुए थे एंड उनके चरणों में रोज पेटल्स। संगत जी, मेरी मदर ने गुरु महाराज के चरण स्पर्श किए और उसी टाइम गुरु जी एकदम से उठे और अंदर अपने रूम में चले। संगत जी, मैं गुरु महाराज के चरण स्पर्श नहीं कर पाया और हम लोग जाकर संगत के साथ बैठ गए। हम लोगों ने चाय प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद किया और गुरु महाराज की आज्ञा लेकर हम लोग घर वापस आए। संगत जी, जब हम लोग घर वापस आए तो मेरी सिस्टर ने बोला कि मम्मी आप गए तो झुके हुए थे बट आप आए सीधे होकर। एंड संगत जी, गुरु महाराज जो हैं उन्होंने वो एलिमेंट उस दिन अपने ऊपर ले ली एंड इमीडिएटली वो अंदर चले गए उस पेन एंड सफरिंग के साथ। एंड गुरु महाराज जो हैं वो ना हमारी सफरिंग देख सकते हैं ना ही हमें ज्यादा टाइम के लिए सफर कराते हैं, बट जैसे गुरु महाराज ने बोला है कि जो मेरे सानिध्य में आएगा उसके कर्म मैं बहुत जल्दी काटूंगा, बट लाइफ टाइम्स के जो कर्मास हैं उनको मैं छोटा करके, उनको मैं कंप्रेस करके आपको बहुत जल्दी उनको भुगतवा दूंगा। तो संगत जी, कई बार हमें ऐसा भी लग सकता है कि हम जब से गुरु जी से जुड़े हैं हमारी जिंदगी में परेशानियां जो हैं वो बढ़ गई, या हमारी जिंदगी में एक परेशानी खत्म होती है और दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है, बिकॉज गुरु महाराज हमारे लाइफ टाइम्स के कर्मास जो हैं वो शॉर्ट में करके सिर्फ 10% कर्मास हमें भुगतवाते हैं एंड 90% कर्मास अपने ऊपर ले लेते। सो जैसे गुरु महाराज ने बोला कि प्रिक ऑफ अ नीडल की तरह आपको ये चीजें भोगनी पड़ेंगी, स्वॉर्ड की तरह तीखा नहीं लगेगा पर एक सुई की तरह जरूर चुभेगा, और वो सुई की तरह चुभना भी गुरु महाराज ने बोला कि क्यों जरूरी है, कि आपको ये याद रहे कि आपने क्या कर्म किया, आपको ये याद रहे कि जब तक आपको दुख नहीं छुएगा तब तक आपका सिमरन में ना मन लगेगा ना आप गुरु जी को या भगवान को ध्यान सकते। सो संगत जी, गुरु महाराज के जो तरीके हैं वो निराले हैं एंड जब तक गुरु महाराज हमें ये चीजें नहीं समझाते या नहीं बताते तब तक हमें ये चीजें नहीं समझ पाते। सो थैंक यू सो मच गुरु महाराज कि आप हमारे कर्मास को इतनी जल्दी कटवा। संगत जी, उसके बाद 2006 में गुरु महाराज का बर्थडे था एंड उस दिन मेरी मदर को स्टमक इन्फेक्शन था एंड वो बार बार वॉशरूम जा रहे थे, तो अगेन शी वॉज नॉट एबल टू गो गुरु महाराज बर्थडे सेलिब्रेशन इन बड़ा मंदिर। और जब हम उस दिन गए तो इतना डिवाइन ऑरा था गुरु जी का, बिकॉज गुरु जी कहते थे कि जब बड़े फंक्शंस में आप मेरे पास बड़े मंदिर आते हो तो मैं मास ब्लेसिंग्स दे। वेल यस, ईच एंड एवरी सत्संग इज डिवाइन एंड गुरु महाराज ब्लेसेस ईच एंड एवरी संगत, बट बड़े जो फंक्शंस गुरु महाराज के बड़े मंदिर में होते थे उसके लिए स्पेशली गुरु जी संगत को बोलते थे कि 7 जुलाई नु आई, शिवरात्रि नु आई। एंड संगत जी, उस दिन गुरु महाराज ने इतना ब्लेस किया कि जब हम लोग घर वापस आए तो मेरी मदर ने बोला कि तुम्हारे जाते ही मुझे नींद आ गई एंड गुरु महाराज के ही बड़े मंदिर में पहुंची और गुरु महाराज ने मुझे अपने हाथ से लंगर की थाली परोसी और मैंने वो लंगर खाया। और जो जो लंगर मेरी मदर ने बताया वही सेम लंगर उस दिन गुरु महाराज के बर्थडे पे वहां पे हमने भी चखा।
संगत जी, उसके बाद मेरी मदर वॉशरूम गए उस ड्रीम के बाद, एंड शी वॉज एब्सोल्युटली ऑल राइट। और जो इतने सालों से उनको स्टमक के इश्यूज रहते थे वो अब काफी हद तक ठीक हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद मेरी मदर को कभी स्टमक इश्यूज हुए नहीं, होते हैं, बट जो सिवियरिटी थी वो काफी कम। एंड संगत जी, ऐसे ही जब 2008 में मेरी मदर को मैं बहुत इंसिस्ट करता था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आप प्लीज रिटायरमेंट ले लीजिए, शी वॉज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एंड तब मेरी मदर ने एक दिन फाइनली डिसाइड किया दैट ओके टुडे आई वुड गो एंड पुट अप माय पेपर्स। एंड संगत जी, उसे एक रात पहले गुरु महाराज मेरी मदर के ड्रीम में आए और उन्होंने बोला जानती रहे कर दी रहे नौकरी। संगत जी, तो जब गुरु महाराज ने ये चीज बोल दी सो यू नो हमें उनकी आज्ञा फॉलो ही करनी थी। और इस चीज के बारे में भी हमें ऑलमोस्ट 4 to 5 years लेटर ऑन डाउन द लाइन 2012 में पता लगा, जब जैसे मैंने संगत जी बताया कि 2004 में गुरु महाराज की मेहर से ही मेरी जॉब लगी थी एयरलाइन में, एंड 2012 में आई वॉज वर्किंग फॉर किंगफिशर एयरलाइन, एंड 2012 में किंगफिशर एयरलाइन शट डाउन हो गई। एंड somehow हमें तब समझ में आया कि गुरु महाराज ने क्यों 2008 में मेरी मदर को बोला था कि जानती रहे करती रहे नौ। सो संगत जी, अगर हम गुरु महाराज का कहा हुआ मानेंगे तो संगत जी, गुरु महाराज जो है हमारे कष्ट अपने ऊपर पूर्ण रूप से ले लेते हैं, वो 10% कष्ट भी हमारे ऊपर नहीं आते। बट जब हम गुरु महाराज के कहे हुए वचनों पर नहीं चलेंगे और गुरु महाराज का कहा हुआ नहीं मानेंगे, देन वी आर ऑन आवर ओन, तब कॉन्सिक्वेंसेस हमें ही भुगतने पड़ेंगे। जैसे गुरु महाराज ने कहा है कि मैं एक संगत को 3 बारी बोलता हूं और अगर 3 बार बोलने के बाद भी संगत वो काम नहीं करती या नहीं मानती, देन The संगत इज ऑन its own, तब गुरु महाराज जो है वो उस तरीके से मेहर नहीं करते जो गुरु महाराज की आज्ञा में रहकर हमें उनकी मेहर मिलती है। बट संगत जी, मैं गुरु महाराज की बात को काट तो नहीं सकता, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि गुरु महाराज इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि मैंने ये भी देखा है कि 3 बार गुरु महाराज कहने के बाद भी जब संगत ने नहीं उनकी बात मानी, तब भी जब मुश्किल का समय आया तो गुरु महाराज ने उनका हाथ थामा हुआ था, उनके सर पर गुरु महाराज का हाथ। बट ये हमारा फर्ज बनता है कि हम गुरु महाराज का कहा हुआ माने। संगत जी, 2008 में ही गुरु महाराज मेरी मदर के ड्रीम में आए और उन्होंने मेरी मदर को बोला कट बोलिया कर। एंड संगत जी, उस समय ये चीज नहीं समझ में आई कि गुरु महाराज ने क्यों बोला है। एंड अगेन 5-6 years डाउन द लाइन हमें ये चीज तब जाके समझ में आई जब मेरी मदर को जॉ में इस पोर्शन में उनको काफी पेन होता था, एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जॉज में पेन होने का क्या मतलब है। एंड ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया, डेंटिस्ट को दिखाया, सबको दिखाया। And eventually one doctor said कि मैम आपको जॉ का सिवियर अर्थराइटिस है, एंड अगर आप जो है अपना मुंह एक एंगल से ज्यादा खोलोगे तो हो सकता है कि आपका मुंह खुला का खुला ही रह जाए। एंड यू नो संगत जी, घर आने के बाद हमें फिर गुरु महाराज की वो लाइन याद आई कि जिसमें गुरु महाराज ने बोला था कट बोलिया कर, अर्थात कम बोला। कम बोला करो से मतलब हुआ कि आप कम बोलोगे, आपका मुंह कम खुलेगा, तो आपको जो ये प्रॉब्लम हुई है उसके लिए गुरु महाराज ने फोरवॉर्न भी कर दिया था, एंड आई थिंक समहाउ गुरु महाराज ने वो वर्ड्स कह के ब्लेस भी कर दिया। यू नो बिकॉज गुरु महाराज की ही कृपा से अब मेरी मदर जो है वो गुरु महाराज के सत्संग भी ऑनलाइन शेयर करते हैं, वो शिव पुराण भी पढ़ते हैं गुरु महाराज के लिए ऑनलाइन, एंड वो गुरु महाराज के लिए गाते भी। सो यू नो कहीं ना कहीं गुरु महाराज ने कह के ही गुरु महाराज ने ब्लेस कर दिया और अब ये सेवा भी वो खुद ही करवा। सो इट इज ऑल हिज मेहर, इट इज ऑल हिज कृपा। संगत जी,
एक और मैं आपसे ये सत्संग शेयर करना चाहूंगा कि गुरु महाराज का हमारे घर में जो स्वरूप आया था, आई थिंक 2004 या 5 में ही गुरु महाराज का स्वरूप आया था, हमें जो आंटी ने गुरु महाराज से इंट्रोड्यूस किया था उनसे ही हमने स्वरूप लेके उसका कॉपी करा के हमने अपने मंदिर में रखा था। एंड उस स्वरूप जो था उसकी मेरी सिस्टर जो है वो रोज पूजा करती थी, आरती करती थी। एंड गुरु महाराज के फोर हेड पे, यहाँ थर्ड आई पे शिवलिंग अपेयर हो गया। एंड संगत जी, बिकॉज हमें गुरु महाराज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, सो हमें बस यही लगा कि दिस इज डिविनिटी एंड दिस इज डिविनिटी, बट स्टिल हमें ये नहीं पता था कि गुरु महाराज ही महाशिव। एंड बिकॉज मेरी सिस्टर रोज गुरु महाराज को टीका करते थे, तो उनके माथे के ऊपर टीके का ही फिर निशान प्रोमिनेंट हो गया एंड जो शिवलिंग है वो उसके पीछे छिप गया। सो यू नो संगत जी, गुरु महाराज जो है वो इंडिकेशंस तो टाइम एंड अगेन देते हैं, एंड ये इतना ब्यूटीफुल सत्संग हुआ भी एंड हम उस टाइम गुरु महाराज के पास फिजिकल फॉर्म में उनके दर्शन करने भी जाते थे, बट हमें ये चीज नहीं समझ में आई कि हम किनके पास जा रहे हैं या महाशिव के ही साक्षात हम लोग दर्शन कर रहे हैं। संगत जी, मैं अब अपने फैमिली मेंबर्स के कुछ सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। वेल संगत जी, उससे पहले मैं एक अपना सत्संग शेयर करता हूं कि 2014 आई थिंक एंड इट वाज समवेयर इन 12 एंड और 13 कि गुरु महाराज ने बिकॉज आई वाज जॉबलेस एट दैट टाइम और गुरु महाराज ने ही कृपा करी और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर में अपनी सेवा बख्शी। उस सेवा में गुरु महाराज ने अपनी समाधि की सेवा बख्शी एंड दे वर सो ब्यूटिफुल एंड डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए वहां पे मुझे। बट मैं जो आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि 2014 में गुरु महाराज ने मुझे अपने पास डुगरी बुलाया एंड डुगरी जाते टाइम जो है हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ। पीछे से एक बाइक आ रही थी, उसपे दो बच्चे थे और वो एकदम से हमारी गाड़ी के आगे आ गए एंड मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी बट इट वॉज ऑफ नो यूज बिकॉज बाइक बिल्कुल हमारे आगे आ गई थी एंड हमारा एक्सीडेंट हुआ। उस बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए एंड वो बच्चे पीछे गिर गए एंड हमारी गाड़ी भी एकदम एब्रप्टली स्टॉप हुई। बट मैंने अपना जो माथा था वो स्टेयरिंग व्हील पे रख दिया था और गुरु महाराज ने कैसे वो स्टेयरिंग व्हील संभाला वो मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ बैठा हुआ था उसने बताया कि गुंजन, जब आपने अपना माथा स्टेयरिंग व्हील पे रख दिया था तब गुरु महाराज ने वो स्टेयरिंग व्हील संभाल लिया था बिकॉज मैं देख पा रहा था कि किस कोई था जिसके हाथ में वो स्टेयरिंग व्हील था। एंड यू नो इट इज हिज मेहर कि गुरु महाराज ने ये भी बता दिया कि आप मुझे याद करो या ना करो बट जब आपका मुश्किल समय आएगा, बिकॉज उस टाइम मेरे दिमाग में गुरु जी नहीं आए एंड बगैर गुरु महाराज को याद करे भी गुरु महाराज ने उस गाड़ी को संभाला, मेरी लाइफ का स्टेयरिंग व्हील भी संभाला। एंड साथ संगत जी, जब हम लोग वापस आए डुबरी से तो उसके नेक्स्ट डे ही आई गॉट अ जॉब ऑफर एंड आई गॉट माई अपॉइंटमेंट लेटर। एंड संगत जी, गुरु महाराज ने ही कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कर्म काटने का सबसे आसान तरीका है। सो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जो आपने मेरे कर्मास को इतने आसान तरीके से कटवाया। एंड संगत जी, मैं अब अपने फैमिली मेंबर्स के कुछ सत्संग शेयर करना चाहूंगा। वेल 2011 I got married and संगत जी, एक दिन मेरी वाइफ के ड्रीम में गुरु महाराज आए एंड उसको बोलते हैं
कि तू बहुत भागा वाली। एंड संगत जी, जब मेरी वाइफ ने मुझे ये सत्संग शेयर किया मेरे साथ, सो आई सेड ऑब्वियसली अनूप बहुत भागा वाली है बिकॉज मैं हमारा हस्बैंड। वेल, दिस इज ऑन द लाइटर साइड ऑफ इट, बट गुरु महाराज का इतना कहना इज अ वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर सच अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। संगत जी, फिर एक बार गुरु महाराज मेरी वाइफ के ड्रीम में आए और उन्होंने मेरी वाइफ को झुमके ब्लेस कर दिया। संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ हु स्टेज इन कैनेडा, उनकी शादी का फंक्शन था एंड उस टाइम पे गुरुजी अगेन मेरे वाइफ के ड्रीम में आए एंड वो मेरे इन लॉज के यहाँ गुरु महाराज जो है वो ड्राइंग रूम में हवन परफॉर्म कर रहे एंड संगत जी वो आर्य समाजी हैं मेरे फादर इन लॉ एंड देखिए कि गुरु महाराज ने वहां पे बैठकर हवन परफॉर्म किया। अगेन सच अ बिग ब्लेसिंग। वेल संगत जी, मैं यहाँ पे ये भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो उसकी शादी के फंक्शन में ही गुरु महाराज ने ये ड्रीम में दिखाया कि वो हवन परफॉर्म कर रहे थे। दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। बट आफ्टर फ्यू इयर्स माय ब्रदर इन लॉ गॉट डिवोर्स्ड एंड उसका कोर्ट केस चला एंड वो नाउ ही इज वेरी हैप्पी आफ्टर यू नो हिज डिवोर्स। सो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि गुरु महाराज की जो ब्लेसिंग होती है वो हम ये सिर्फ इस चीज में लिमिट ना कर दें कि अगर वो शादी के फंक्शंस में उन्होंने दिखाया कि गुरु महाराज ही खुद बैठकर वहां हवन परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर क्यों ऐसा हुआ मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ। वेल यू नो दीज आर ऑल आर कर्मास और हमारे कर्मास को गुरु महाराज कितनी ब्यूटिफुली कितने सहज तरीके से हमें कटवा देते हैं बिकॉज इन कठिनाइयों के थ्रू भी एंड इन कठिनाइयों के दौरान भी गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ रहते हैं एंड उनकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ है। जैसे मेरा अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम था या मेरे ब्रदर इन लॉ का ये टाइम था या मेरी सिस्टर शी इज ऑल्सो डिवोर्स्ड सो उसका भी जो ये टाइम है सो यू नो टाइम एंड अगेन गुरु महाराज जो है वो अपनी कृपा हमें दिखाते रहते हैं और हमेशा हमें ये दिखाते रहते हैं कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है बट कर्म ही हमें इसी जन्म में काटने हैं साथ संगत जी बिकॉज अगेन एंड अगेन वरना हमें जन्म लेने पड़ेंगे एंड गुरु महाराज बिकॉज वो परम पिता परमेश्वर वो तो हर समय हमारे साथ हर जन्म में रहेंगे बट जैसे गुरु महाराज ने कहा कि 7 जन्मों की प्राप्ति के बाद मैं तुम्हें इस रूप में मिला। सो साथ संगत जी, अपने कर्म हम अगर इसी जन्म में गुरु महाराज के साथ काट लें तो हम सबको गुरु महाराज मुक्त कर सकते बिकॉज हम सब ये सोचते हैं कि मुक्ति जो है वो हमारे लिए नहीं है, हम इतने प्योर हैं ही नहीं कि हम मुक्त हो सके। संगत जी, हम इतने प्योर नहीं हैं कि हम मुक्त हो सके पर गुरु महाराज इतने प्योर हैं कि उनके सान्निध्य में रहकर हम मुक्त हो सकते हैं। एंड साथ संगत जी, ऐसे ही एक दिन गुरु महाराज मेरे ड्रीम में आए। वेल फिजिकल फॉर्म में कई बार गुरु महाराज फिजिकल फॉर्म में आते हैं, कई बार गुरु महाराज के स्वरूप के दर्शन होते हैं ड्रीम में, कई बार गुरु महाराज की आवाज आती है एंड गुरु महाराज की आवाज आई मुझे ड्रीम में एंड ही सेड रिश्ते गुंजन रिश्ते सुधार ले अगर मुक्त होना। सो संगत जी, आप ये देखिए कि मैं तो अपने आप को इस लायक कभी भी नहीं समझता था कि मैं मुक्त हो सकता एंड गुरु महाराज ने एक ही लाइन में मुझे इंस्ट्रक्शन दे दी कि रिश्ते जहां तक जो मुझे गुरु महाराज ने सोजी बख्शी कि रिश्ते ना ही अपने परिवार वालों के साथ ना ही आस पड़ोस में ना ही सिर्फ अपने ऑफिस में बट गुरु महाराज के साथ भी आप अपने रिश्ते सुधार लें एंड जैसे जैसे आप अपने रिश्ते सुधारते जाएंगे आप अपने रिश्तों में निर्मलता स्वच्छता नीवापन लाते जाएंगे वैसे वैसे गुरु महाराज आपको मुक्ति के पथ पर अग्रसर करते जाएंगे।
सो यू नो गुरु महाराज की एक एक लाइन में इतनी टीचिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि सिर्फ अगर उनकी एक लाइन को भी अगर हम पूर्ण रूप से फॉलो कर सके तो वो हमें जीवन मुक्त कर सके। मरने के बाद मुक्ति तो बहुत दूर की बात है साध संगत जी, वो हमें इस जीवन में जीते जी मुक्त कर सके। साध संगत जी मैं अपने बेटे का एक सत्संग शेयर करना चाहूंगा जिसके अंदर एक संगत हमारे घर आए और वो जो है वो किचन में गए कि आंटी मैं सेवा कर लेती हूँ, मैं बर्तन मांजू। एंड यू नो सोहम वॉज देयर इन द किचन एंड फर्स्ट ही सेड आंटी नहीं आप जो है आप प्लीज बर्तन मत मांजिए। एंड देन एकदम से उसको स्ट्राइक हुआ कि गुरु महाराज ने वाणी में सुनाया था कि जो संगत गुरु महाराज की सेवा में बर्तन मांजती है वो अपना दिल साफ कर रही है। एंड देन इमीडिएटली उस छोटे से बच्चे इज 8 years old नाउ, दैट टाइम ही वाज 7 years old, उसने उन आंटी को इमीडिएटली बोला नहीं आंटी आप प्लीज ये बर्तन साफ कीजिए और अपना मन भी साफ कीजिए। एंड यू नो ऐसी नॉलेज ऐसी बातें जो हैं वो गुरु महाराज ही इतने छोटे से बच्चे के माइंड में भी इंस्टिल कर सकते हैं। वेल दैट्स व्हाई गुरु महाराज सेज कि आप वाणी सुनिए, समझ में आना या ना आना ये उनके हाथ। जब वो एक छोटे से बच्चे यू नो आई थिंक ही इज बीन सो ब्लेस्ड कि वो बचपन से गुरबानी सुनता है एंड व्हेन ही वाज आई थिंक 1 year old 2 years 3 years जब वो बोल भी नहीं पाता था वो इतना दिल से सत्संग में बैठता था। और यू नो अब जो है बिकॉज अब वो बड़ा होता जा रहा है तो अब वो उतनी पंचुअलिटी से सत्संग में नहीं बैठता, उसका मन भी ज्यादा नहीं लगता, बट यू नो वो जब भी बैठता है तो वो ऐसी ऐसी बातें ग्रास्प करता है और वो वही शब्द में जो गुरु महाराज उसको समझाते हैं हमें हमारी लाइफ में वो समझा जाता है छोटा सा। एंड यू नो रिसेंटली इन दीज COVID times, my cousin sister who's 40 years old, she got married again and uske jo husband the wo bhi 40 years ke the and in this COVID time we lost him and unke father-in-law ek din unki death hui and the very next day mere jeeja ji ki bhi death ho gayi। एंड यू नो ये ऐसा कुछ हुआ कि जो हमारे लिए लेना बहुत मुश्किल हो गया था और मेरी मदर जो है वो कंटिन्यूसली रोए जा रहे थे कि इतने टाइम बाद मेरी कजन सिस्टर ने जो है सुख उसकी लाइफ में आए थे और ऐसे क्यों हुआ। एंड यू नो सोहम संगत जी मेरा जो बेटा है वो मेरी मदर के पास आया और वो कहता है कि दीदा आज सुबह ही तो गुरुजी ने व्याख्या में यही चीज तो समझाई है कि एक दिन बंदिया है उठ चलना लौट के आना नहीं। तो जब हमें हमारा ये शरीर नश्वर है और आपको भी एक दिन मर जाना है और मुझे भी एक दिन मर जाना है तो आप किस चीज के लिए रो रहे हैं। साथ संगत जी अगेन अ 8-year boy एक्सप्लेनिंग इट टू हिज दादी दैट ये शरीर नश्वर है, हाउ इज इट पॉसिबल, इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, इट इज गुरु महाराज डिवाइन ग्रेस, इट्स गुरु महाराज डिवाइन इंटरफेरेंस इन द थिंग्स वेयर ही एक्सप्लेन्स यू कि किसी भी क्षण आपको इतने विचलित नहीं हो जाना या उस दुख में नहीं डूब जाना है और विचलित भी नहीं होना और भटकना भी नहीं। संगत जी मैं आपसे अपना वही सत्संग आज शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक काफी टाइम हो गया है सो संगत जी मैं आपसे ये सत्संग शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट मंथ हमारे घर में यू नो हम बिकॉज मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम गुरु महाराज ने सत्संग बख्शे हुए हैं। सो मॉर्निंग में अमृत वेले से पहले मेरे मदर झाड़ू और पोछा लगाते एंड देन समवेयर अराउंड 9 o'clock द मेड्स कम एंड देन दे इट एंड इवनिंग में अगेन द मेन्स डू इट। सो तीन बार हमारे घर में यू नो सफाई होती और लास्ट मंथ कुछ ऐसा हुआ कि हमारे घर में सफाई होने के बाद भी
ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक लिक्विड स्पॉट्स जो है वो घर में आ जाते थे। एंड वो कहाँ से आ रहे थे हमें कुछ समझ में नहीं आया। और साथ संगत जी हम थोड़ा सा घबरा भी गए। तब मेरी वाइफ ने बोला, शी टच्ड इट एंड शी सेड, गुंजन ये तो इंक है। बट आई सेड, हमारे घर में कोई ब्लैक इंक नहीं है, सो फ्रॉम वेयर इज इट कमिंग। शी सेड, एज शी इज अ डॉक्टर, शी सेड, गुंजन आई हैव अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, सो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत है। एंड शी सेड वन मोर थिंग कि गुंजन चलो मुझे तो नहीं लगता बीइंग अ साइंटिस्ट, बट शी इज अ PhD, सो शी इज अ साइंटिस्ट। तो उसने बोला, बीइंग अ साइंटिस्ट मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है या किसी ने कुछ किया हुआ है, ये तो मेरा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है, बट वेयर इज योर फेथ। एंड संगत जी, समवेयर डाउन द लाइन गुरु महाराज ने उस दिन उस एक लाइन से मुझे ये चीज समझा दी कि मेरा फेथ कहाँ गया, मेरा गुरु में विश्वास कहाँ गया। एंड द वेरी नेक्स्ट डे अमृत वेला में जब मैं बैठा हुआ था, मैं बालकनी में गया एंड आई वॉज इन माई बालकनी, एंड मैं वहां पे बैठ के गुरु जी के ही ध्यान में बैठा हुआ था। वहां पे भी मुझे पाठ सुनाई दे रहा था एंड एकदम से गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आई। एंड मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज ये जो भी नेगेटिव चीज है, ये जो भी नेगेटिव सोल है, ये भी आपकी ही संगत है, बिकॉज ये आपका ही दरबार है, ये आपका ही घर है, यहाँ पे सुबह शाम जो है आपके सत्संग हो रहे हैं, आपकी प्रेजेंस हमें यहाँ फील होती है, आप यहाँ साक्षात विराजमान है, सो यहाँ जो भी आता है वो आपकी ही साथ संगत है, चाहे वो नेगेटिव फोर्सेस हो, चाहे वो बुरी आत्माएं हो, चाहे वो अच्छी आत्माएं। एंड संगत जी, आई वुड अगेन लाइक टू शेयर वन मोर सत्संग जिसमें गुरु महाराज ने मुझे 7-8 years बैक दिखाया कि यहाँ पे ही गुरु महाराज का दरबार लगा हुआ है एंड वहां पे गुरु महाराज के दरबार में राक्षस गण बैठे हुए, देन शिव जी के तो सब लोग ही संगत हैं और सब लोग ही उनको ध्याते हैं। सो संगत जी, जब ये भाव आया एंड आई सेड, जो भी वो नेगेटिव स्पिरिट है वो भी गुरु महाराज की संगत है, एंड मैंने उनको तहे दिल से उनका स्वागत किया और बोला कि आप गुरु महाराज की संगत हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड साथ संगत जी, उसके बाद जब हमारे घर में सफाई हुई, उसके बाद वो ब्लैक स्पॉट्स आने बंद। सो संगत जी देखिए, गुरु महाराज में हमारा विश्वास बहुत जल्दी डोल भी जाता है जब परेशानियां आती, बट कैसे गुरु महाराज हमारा हाथ थाम लेते हैं ये उनकी ही में है। बट इन कंटिन्यूटी आई वुड लाइक टू अगेन शेयर, फॉर पास्ट 10 days नाउ अगेन देर हैव बीन सम स्पॉट्स, नाउ दे हैव बीन रेड एंड ब्लू स्पॉट्स जो हमारे घर में होते हैं, बहुत छोटे से जैसे पेंट के जैसे स्पॉट्स होते हैं वैसे स्पॉट्स हैं। एंड फ्रॉम येस्टरडे ऑनवर्ड्स अगेन दोस ब्लैक स्पॉट्स, इंक टाइप स्पॉट्स जो हैं वो दे हैव स्टार्टेड अगेन रीअपेयरिंग इन आवर हाउस। एंड वो संगत जी ऊपर से ही गिरते हैं और जमीन पर आ जाते हैं, कैसे आते हैं हमें नहीं पता। हम उसको क्लीन करते हैं एंड आफ्टर एन आवर और सो वो दोबारा दे रही अपेयर। सो संगत जी, नाउ आई थिंक गुरु महाराज ने वो सोची बख्श दी है कि जो भी होता है उसको सहज भाव से स्वीकार करो, ये सब मेरे कंट्रोल में है, जो भी तुम्हारे कर्मास है मैं तुम्हें वो भुगतवा रहा, मेरे सानिध्य में रहकर अपने कर्मास को भुगत दो, मेरा हाथ तुम्हारे शीश पर है, तुम्हारे चरण हमेशा मेरे तुम्हारे सॉरी आई एम सो सॉरी तुम्हारा माथा जो है वो हमेशा मेरे चरणों में रहे, ऐसा भी गुरु महाराज आशीष दे। तो साथ संगत जी, जब हमारा माथा गुरु महाराज के चरण शरण में है और गुरु महाराज का हाथ हमारे सर पर है, तो हमें किस बात का डर। बस गुरु महाराज को ध्याते रहिए, गुरु महाराज को याद रखिए, गुरु महाराज की कृपा ऐसे ही हम सब पर बरसे। थैंक यू सो मच गुरु महाराज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग योर सत्संग, सच ब्यूटिफुल सत्संग एंड सच डिवाइन एंड ज्ञान पूर्वक सत्संग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय गुरु जी।